तेजी से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण सिटी में चल रहे सड़क और फ्लाईओवर के काम भी है। अधूरे काम और सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर ठेकेदार लोगों की जान धोखे में डाल रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए सीपी रविंद्र कुमार सिंगल ने जॉइंट सीपी अश्वती दोषे सहित आला अधिकारियों की उपस्थिति में कॉन्ट्रेक्टरों की बैठक बुलाई। इसमें सीपी ने ठेकेदारों को साफ चेतावनी दी है कि यदि अब उनकी वजह से सड़क दुर्घटनाओं में किसी की जान गई तो पुलिस छोड़ेगी नहीं। इतना ही नहीं, सीपी ने कहा कि यदि ठेकेदार यह सोच रहे कि अपने राजनीतिक संबंधों से वो बच जाएंगे तो अपने दिमाग से यह ख्याल निकाले। डीसीपी शशिकांत साता ने बताया कि हाल ही में एक पीआईएल में उच्च न्यायालय ने अधूरे विकास कामों और अन्य वजह से हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता जताई है। साथ ही सीपी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें सभी विभाग के अधिकारी भी सदस्य होंगे। बैठक में मौजूद ट्रैफिक ब्रांच और सभी यूनिट के डीसीपी एसीपी तथा पीआई मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कई ठेकेदार अनुमति के बगैर काम कर रहे हैं। काम आरंभ करने के पहले पर्यायी मार्ग भी नहीं छोड़ा जाता है। अचानक आवाजाही बंद कर दी जाती है। पर्याप्त संख्या में मार्शल तैनात नहीं किए जाते हैं। गड्ढों की वजह से नागरिकों की परेशानी काफी बढ़ जाती है। वह पुलिस को फोन करके शिकायत करते हैं। एसीपी जयेश भंडारकर ने कहा कि काम आरंभ करने के पहले पर्यायी मार्ग की व्यवस्था करना ठेकेदार का काम है। कई स्थानों पर बैरिकेड्स नहीं है, वृद्ध मार्शल तैनात किए गए हैं। एसीपी सुधीर नंदनवार ने केडी के कॉलेज से अशोक चौक के दौरान फ्लाईओवर के निर्माण से होने वाली परेशानी को बताया। हेवरी नगर के भीम चौक से हसन बार का मार्ग जानलेवा हो गया है। महिला की मौत के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। रात के वक्त तो वहां से गुजरना जान को जोखिम डालने जैसा है। जो हम एनालाइज कर रहे हैं और सभी लोग इसके बारे में चिंतित हैं कि जो एक्सीडेंट्स हैं, एक तो क्रैशेज और उसके बाद में जो इंजरीज हैं और उसके अलावा जो फैटल इंसिडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उसके कई सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण ये भी है कि रोड्स की जो कंडीशन है, और इसके बारे में माननीय हाईकोर्ट और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं या फिर मिनिस्टर, सभी का ये इस पर चिंता है। तो इस विषय में मैंने कल मीटिंग बुलाई थी और उसमें सभी कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि जिनको कि इसके बारे में रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, और मेंटेनेंस करते वक्त, रिपेयर करते वक्त तो वो क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, वो सब विषयों पे कल चर्चा हुई। और इसमें जो है हम जो आंकड़ा देखते हैं वो लगभग 90 से ज़्यादा है डेथ्स का, जो कि काफ़ी गंभीर है। और इसमें कई बार जो है जो हमने देखा कि फ्लाईओवर के जो काम चल रहे हैं और जो रोड्स पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उसमें भी काफ़ी डेथ्स हुई हैं इसमें। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हुए सबको बुलाया और उनको जो उनके काम है जो उनको करने चाहिए, टाइम पे करने चाहिए, प्रिकॉशन लेनी चाहिए, वो उनको सब बताई गई है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।